सफल आदमी के पीछे बहुत कठिन परिश्रम जो वो करता है वो दिखता नहीं लोगों को। मतलब कोई भी सफल आदमी कितनी कठोर परिश्रम करता दिखता, लोगों को लगता है यार सफल हो गया वो, कितना पैसा कमा रहा, कितनी सफलता मिली, पर उसने पीछे कितने टोले लिए रहते, कितनी कठोर तपस्या की रहती है, वो लोगों को दिखता नहीं है। मार्क स्पिट्स अमेरिकन स्विमर, ओलंपिक में उसने 7 गोल्ड मेडल लिए, 7 गोल्ड मेडल स्विमिंग में अलग अलग, और उसका रिकॉर्ड सालों तक कोई तोड़ नहीं सका। 8-8 घंटे पानी में रहता था वो, 8-8 घंटे पानी में रोज, 1 घंटा भी हम नहीं तैर सकते। और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था बना हुआ वो माइकल फेलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तोड़ा, उसने 8 गोल्ड मेडल लिए। मार्क स्पिट्स के 7 थे, एक ही ओलंपिक में से 8 कर लिए, 8 गोल्ड मेडल, जय जयकार हुआ पूरे दुनिया में। हमारे देश में 1 गोल्ड मेडल भी कोई मिला नहीं सका, और मिलता था किसी को तो उसका तो पंतप्रधान लेने को जाएंगे उसको एयरपोर्ट के ऊपर। तो वो होने के बाद में उसको, मतलब उसने 8 गोल्ड मेडल लिए, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ली और प्रेस में सब लोग आए थे अलग अलग, बूम्स लगे हुए हैं, बूम पत्रकारों के 50 अलग अलग टेबल के ऊपर बूम लगे हुए, सब पत्रकार बैठे हुए हैं और सब पूछने को तैयार है कि भाई इतनी सफलता कैसे हासिल की, क्या हो गया क्या नहीं। तो एक महिला पत्रकार थी, पत्रकार परिषद शुरू हुई, महिला पत्रकार ने बोला कि आप बहुत लकी हो कि 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में मिलाना बहुत बड़ी बात होती है और आप बहुत ही लकी हो। जैसे उसने बोला बहुत गुस्सा हो गया, बोले आप इधर आइए, उसने उसको स्टेज पर बुलाया, बोले आप महिला है करके मैं आपको कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो इतना गुस्सा आया हुआ है कि मैं आपको क्या बोलूँ। बोले क्या हुआ, उसको तो अजीब लगा, बोले ये 8 गोल्ड मेडल मिलाने के पीछे मैंने कितनी तपस्या की आपको पता है, पिछले 4 साल से रोज 12 घंटा मैं पानी में हूँ, 1 हफ्ते के 7 दिन, 1 महीने के 30 दिन और 1 साल के 365 दिन, एक भी दिन मैंने चुकाया नहीं पिछले 4 साल से, और जब 12 साल 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर रोज तैर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे सफलता मिली है, क्या आप इसको लक बोलेंगे, क्या मैं लकी हूँ। बोले आपको गोल्ड मेडल मिलाना है ना, आप अभी 2008 साल हुए, आप 4 साल करो तो 2012 में आप भी गोल्ड मेडल 8 मिला सकेंगे। ये कोई तपस्या कोई करता नहीं है, इतनी तपस्या कोई करता नहीं है, इतना हार्डवर्क कोई करता नहीं है। लोगों को दिखते 8 गोल्ड मेडल, लोगों को लगता है उसको कितना मान सम्मान मिला, लोगों को लगता है कि देखो कितना पैसा मिल रहा है, उसके पीछे उसने क्या किया वो लोगों को दिखाया जाता नहीं। उसके पीछे उसने बहुत टोले लिए होंगे, बहुत हार्डवर्क किया होगा, बहुत असफलता मिली होंगी, बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आए होंगे, क्या नहीं हुआ होगा। कोई भी सफल व्यक्ति आपको यदि देखना है तो सफल व्यक्ति को पूछो, उसके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करो, उसको जाके पूछो आपका टाइम मुझे दो, उसके साथ में बैठो, उसको लगे तो खाना खिलाओ, उसके साथ में चाय पियो, जब टाइम देंगे तो कि भाई आप उसको चाय पिला, उसको बोला मेरे को 1 घंटा दो और मुझे जानना है कि आपने क्या क्या किया इतनी सफलता हासिल करने के लिए। और जब उसकी बायोग्राफी आप पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि व्यक्ति ने कितना काम किया होगा इतनी सफलता हासिल करने के लिए। आप भी करते तो आप भी मिलेगा। तो ये देखो कि कोई सफलता मिलती है वो अचानक नहीं मिलती है, कठोर परिश्रम करनी पड़ती है, और वो परिश्रम आप करते तो आपको भी मिल जाएंगे। तो ज़िंदगी में माइकल फेल्प्स बनो, मार्क स्पिट्स बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उतनी सफलता मिलाने के लिए उतनी कठोर परिश्रम करने की तैयारी रखो। थैंक यू वेरी मच।